हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डीआरडीओ एमटीएस के लिए ये वीडियो रहेगी। वैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जीके के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी। ये संडे स्पेशल टेस्ट है। आप लोगों ने अपना स्कोर नीचे मुझे कमेंट करना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपका स्कोर क्या रहा है, आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ये आपने मुझे नीचे कमेंट करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट जीके से डरते हैं या जिनको जीके समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आता या रीजनिंग समझ में नहीं आती, जीके की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर जीके के बहुत सारे पार्ट होंगे और लगभग आपको 2,500 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे। आपको याद करने भी नहीं पड़ेंगे। एक बार आप पार्ट वो सुन के देखना सारे, उसके अंदर आपको 54 पार्ट मिलेंगे और हर पार्ट के अंदर मैं लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगी। आपको जीके ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने आंसर साथ में नहीं दिए हैं, पहले आपको पूरा टेस्ट देखना है और आपको खुद देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और उसके बाद मैं सभी के आंसर भी आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। डेली जीके जो शाम को 8 बजे अपलोड होती है उसमें मैंने ये आपको बताया हुआ है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। संविधान का मेघना काटा किस भाग को कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद क्या है। उसके बाद ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इंडियन करेंसी जो हमारी न्यू इंडियन करेंसी, इसका कलर साइज और इमेज आप लोगों को बतानी है कि क्या क्या है। 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट और 10 का नोट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई थी और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। स्थापना के समय RBI का हेडक्वार्टर कहाँ था। मतदाता दिवस कब आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। और जो ये 5 क्वेश्चन है ये गांधी जी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब वापस आए थे, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है और करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। जल्दी से नीचे मुझे कमेंट कर देना कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, याद भी करा रखे हैं। आपका स्कोर फुल आउट ऑफ फुल रहना चाहिए क्योंकि आपको मैंने जीके बहुत अच्छे से याद करवा रखी है। ठीक है, अब मैं सबके आंसर बता देती हूं और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। पिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो पिन वैली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली पूछे तो कहां पर है, साइलेंट वैली केरल में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। वैली ऑफ फ्लावर पूछे तो कहां पर होगा, उत्तराखंड के अंदर होगा। ओके, संविधान का मेघना काटा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग नंबर 3 हमारे संविधान में। जब हमारा संविधान बना था संविधान में टोटल भाग कितने थे, 22 थे। आज भी 22 ही भाग है, लेकिन अगर हम जैसे 4 का क्या है, 9 का क्या है, अगर इन सबको ऐड कर दें तो टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं, 25 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। चैप्टर नंबर 3 किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और मौलिक अधिकारों को ही हम संविधान का क्या कहा जाता है, मेघना काटा कहा जाता है। आ गया समझ में, ये मैंने सारा कुछ आपको याद करवा रखा है। अगर जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 से देखना शुरू करना और पार्ट 54 तक आप सारे पार्ट देखना। जैसे आपको टाइम मिले आपकी जीके ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो काजीरंगा असम में है। और सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा चाय भी असम में ही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद बताइए। मौलिक अधिकार में आते हैं, 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक मौलिक अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई किसी का शोषण करता है तो उसको आवाज उठाने का पूरा पूरा अधिकार है। हमारे संविधान में चैप्टर नंबर 3 में अनुच्छेद 23 और 24 में यह चीज मेंशन है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपए के नोट का कलर, साइज और इमेज क्या है, 500 का, 200 का और 10 का। ये मैंने आपको याद करा रखा है, 2000 रुपए के नोट का, नोट के ऊपर किसकी इमेज है, मंगलयान की इमेज है। उसी प्रकार से 200 रुपए के नोट पे किसकी इमेज है, सांची का स्तूप है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपने मुझे नीचे कमेंट करने हैं, पूरी की पूरी मैंने इंडियन करेंसी करा रखी है। जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसकी जो पहली वीडियो होगी वो इंडियन करेंसी पे ही होगी। आपको सारी इंडियन करेंसी, जो भी न्यू इंडियन करेंसी है, उनका साइज, कलर और इमेज सारा कुछ पता होना चाहिए। वो वीडियो सुनो जिसने नहीं सुन रखी, और अगर सुन रखी है तो नीचे मुझे कमेंट करना है 2000 रुपए के नोट का कलर, साइज और इमेज, उसी प्रकार से 500, 200 और 10। अगर आप खुद कमेंट करोगे तो आपको जीके और अच्छे से याद होगी। तो ये क्वेश्चन चारों के चारों आपके लिए हैं, जल्दी से नीचे मुझे इनका आंसर कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे था? तो कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से कहां ट्रांसफर हो गया? मुंबई ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तब कहां पे था? कोलकाता में था। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट है, मतदाता दिवस कब आता है? तो मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम वोटर डे मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला था 2015 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था 2014 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? बहुत बार करा रखा है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये करा रखा है मैंने, इसके लेखक का नाम है रघुराम राजन। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक का नाम है रघुराम राजन, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है ये, बीसी बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और कहां पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और ये लुम्बिनी कहां पर है? लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी पड़ेगा हमारा नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी है रुपी। नेपाल के साथ भारत एक एक्सरसाइज भी करता है जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो भारत और नेपाल के बीच होती है। ओके, नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। जितने क्वेश्चन है ये टेस्ट है आपका, जल्दी से मुझे नीचे अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे, और वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और इसीलिए 9 जनवरी को हम एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और हमने एक नई सीरीज भी शुरू करी है, शाम को 8 बजे आपको स्टैटिक जीके कवर कराई जाएगी। रोज एक स्टेट कवर कराया जाएगा जिसमें कैपिटल, सीएम, गवर्नर, नेशनल पार्क, डांस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारा कुछ कवर कराया जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो किसी भी पेपर में आपके जीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो डेली वो वीडियो जरूर देखना, शाम को 8 बजे जीके की वीडियो अपलोड होती है, 2 बजे डेली रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है, और 1 बजे मैथ्स की वीडियो अपलोड होती है। जितने भी चैप्टर आपको कराए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ में कहीं से भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप लोग जो मैं कह रही हूं वो फॉलो करोगे तो। ओके, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।